और इसी समय प्रभु इसी समय ब्लेसिंग दे स्वर्ग से ने, और आज कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस ना जाने पाए परमेश्वर। इसी समय पवित्र आत्मा तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ, सामर्थ वाला हाथ तेरे बच्चों के ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनकी रिलीज होने पाए पवित्र आत्मा जी। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, जो लोग इस समय मेरे प्रभु तेरे शरण में आए, क्योंकि तेरे वचन में लिखा जो परम प्रधान के छायावें स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, इसी समय मेरे प्रभु जी आज जितने भी जन यहाँ पर खड़े हैं मेरे प्रभु, कैसा भी कोई भी पवित्र आत्मा दुख है, कैसी भी प्रॉब्लम्स है मेरे पिता, जिन्होंने तेरे सामने हाथ उठाए तो उन्हें शर्मिंदा नहीं करेगा आज यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें करता है और वो बोलता है करके आज कोई भी जन शर्मिंदगी को नहीं लेगा अपने पर। आपकी शर्मिंदगी को परमेश्वर ने ले लिया है। जो विश्वास कर रहे हैं वो अपनी आशीष को देखेंगे। अबा लबा शबा लबा। मैं देख रहा हूँ ऐसे कोई जन है यहाँ पर और प्रदीप है उसका नाम, उसके पास दो बेटियां बेटी हैं, उसके घर से कोई आया उसके पास बेटा नहीं है। अगर आप हैं यहाँ पर, आपके घर में किसी के पीछे नाम की रानी भी लगता है, अगर हैं आप यहाँ पर कम है और इसी समय परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मैं देख रहा हूँ एक बहन, उसके परिवार ने उसको छोड़ दिया, बड़ी तकलीफ में, बड़ी दुखों में, लेकिन प्रभु कह रहा है कि मैं तेरे आंसुओं को पूछूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूँ किसी को, रबा रबा सना यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, कैमरामैन, हाँ सामने आओ। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरे सामने आ, सामने आ बेटे। हाँ हाँ, सुनो, मैं देख रहा हूँ प्रदीप कौन है, तारीफ करेंगे जो। आप कहाँ से आए हैं? जम्मू से। आपके पास कितनी बेटी हैं? दो बेटी हैं मेरी। Hallelujah! आप सुन रहे हैं इस, मैंने आत्मा में देखा आपको बहुत ताने सहने पड़ रहे हैं। आपको लोग बोल रहे हैं कि तू क्यों जा रही है वहां पर। बड़े टाइम से परेशान है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है, बोलता है आशा रख, तेरी आशा को मैं पूरा करने वाला हूँ। क्यों बोल रहा हूं मैं? पर आशा, हिंदी का वर्ड समझते हैं आप? आशा, आशा विश्वास, आशा। सुनो, आपका नाम क्या है? आपको समझ में, आपका नाम भी आशा है। ये परमेश्वर की आवाज है कि तेरे आंसुओं को परमेश्वर पूछने वाला जल्दी यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज मिलेगा, बेटे के साथ आएंगे आप यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग आपके खिलाफ हैं उनके मुंह पर ताले लगेंगे, ये भविष्यवाणी है यीशु मसीह की ओर से। प्रॉफिट का मतलब लोगों को नहीं पता, जब आप भविष्यता का आदर करते हैं तो जो वो मुंह से निकाल रहा है वो पूरा हो जाता है। हर आशीष आपकी होगी, आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। रानी कौन है? रानी किसको जानते हो? रानी हमारे मोहल्ले में। आज वो ब्लैक मैजिक खत्म हो रहा है आपके ऊपर से, आपके घर से, आपकी फैमिली के ऊपर से खत्म हो रहा है। वो बंधन टूट रहे हैं और जिस समय वो खाया पिलाया बाहर निकल रहा है आपके अंदर से, जो आपको आजाद नहीं होने दे रहा, निकल रहा है बाहर यीशु मसीह के नाम में। निकल जाओ इसके शरीर से, आ रा 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 रा, खाया पिलाया बाहर, छोड़ इसके पेट को, छोड़ इसकी घर की सारी हालातों को छोड़ दे। बेटा होगा उसको, तो नहीं होने दे रहा, तो नहीं होने दे रहा। बेटे परमेश्वर देता है, रब देता है। शैतान को चीड़ हो रही है, इसको चीड़ हो रही है। देखो, यीशु मसीह की ओर से ब्लेसिंग मिलेगी। अब परमेश्वर सुनता है। सारे बोलो वो है,
सारे बोलो वो है, है कि नहीं? अपने पड़ोसी नु दसो इत्थे कौन है, अपने पड़ोसी नु दसो जोर नाल इत्थे कौन है, विश्वास दे नाल दसना है, बोलो यीशु हैगा है कि नहीं? इसको नजर नहीं आ रहा। 2023 जैसे ही खत्म होगा आपके सामने ये गवाही के साथ आएगी यीशु मसीह के नाम में। ये बताएगी फिर से मैं प्रेग्नेंट हूं और परमेश्वर आशीष देगा। देख इधर देख और निकल चल छोड़ इसके शरीर को। निकल रहा निकल रहा निकल रहा, ये गया आउट आउट, निकल गया बाहर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आउट, ये गया फायर फायर, टच फ्री। तेरा जोर चलना, ओ इत्थे नीचे तरना, तेरा जोर चलना। आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि नहीं? मैं आत्मा में होकर कह रहा हूँ कि जितने लोग आज मुसीबत में, किसी भी प्रॉब्लम्स में हैं, परमेश्वर ने मुझे कहा, जब मैं गाड़ी में बैठा था प्रार्थना कर रहा था तो मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि अपने लोगों को बोल, कह रहा कि मैं इस साल के अंदर, कह रहा क्या, कह रहा मैं अपने लोगों के लिए, प्रभु के दासों के लिए, विश्वासियों के लिए, जो लोग डरे हुए हैं उनके लिए परमेश्वर खड़ा होगा स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम। आपको विश्वास करना है परमेश्वर के दर्शन को, आप अपने घरों में, अपने परिवारों में, आप गवाहियों के साथ देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम। ये क्रिसमस आपके लिए आशीष का कारण होगा। जो लोग इस क्रिसमस पर, इस शोभा यात्रा पर आएंगे, मैं कह रहा हूँ कि 14 तारीख हम अनाउंस कर रहे हैं और इस 14 तारीख में जो लोग आ रहे हैं उनकी शोभा, उनके बच्चों की शोभा परमेश्वर बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम। आप इसी समय अपने हाथों को उठाऊं और विश्वास करो कि पवित्र आत्मा है और वो सुनता है। आप देख रहे हैं इस बहन के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे बताया और कहा कि मैं इसको ब्लेस करूंगा। ये परमेश्वर है। जो लोग यहाँ पर खड़े हैं इसी समय, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने हाथ उठाए हैं, आप किसी कंपनी बाग में घूमने के लिए नहीं आए, परमेश्वर के घर में आए हैं। जो मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं, घंटों घंटों आप वर्शिप के साथ खड़े हैं, जो आपने हाथ उठाया है, जो आपने प्रार्थनाएं की हैं, परमेश्वर कहना जितने भी काम आपने प्रभु में होकर किए आज, उन सबके परिश्रम का फल, आपकी मेहनत का फल जो प्रभु में किया आपने, जो आपने किया है, आपने सहा है, परमेश्वर उसका प्रतिफल इस साल के एंड में आपको देने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं फिर से प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, इसी समय परमेश्वर मैं विनती करता हूं मेरे प्रभु, हमसे कोई बड़ा बोल हुआ है तो क्षमा कर परमेश्वर। आज कोई किसी ने घमंड किया है, कोई निंदा, कोई चुगली, कोई बुराई, कोई ईर्ष्या, कोई नशा, कोई व्यभिचार, कोई झूठ, कोई भी गाली गलौज, कोई भी ऐसा पाप परमेश्वर जो हमारी जिंदगियों में छुपा हुआ है, पवित्र आत्मा आज हम हिम्मत करते हैं परमेश्वर और इसी समय तेरे सामने उस पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। और पवित्र आत्मा जी आज से तुझसे वादा करते हैं परमेश्वर, हम कभी पाप नहीं करेंगे। अपने हाथों को उठाऊं जो नए लोग हैं, जो लोग नहीं जानते, बोलो आज के परमेश्वर हम पाप से तौबा करते हैं पवित्र आत्मा और विश्वास करते हैं यीशु ही परमेश्वर है, हमारी जिंदगी में आज से काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जोर से इसी समय परमेश्वर की महिमा करो, नाचते हुए कूदते हुए तारीफ करो। शाबाश। तेरा मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के कान देखो। तेरा मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के कान देखो। तेरा मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के कान देखो। तेरा मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के कान देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती मुश्किल हालात हो जाते हैं, हाथों को उठाते हुए पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवारें बन जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवारें बन जाती है। मत चुपचाप खड़े रहो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। सब बैठ जाओ। आज लगता है आपको सचमुच यहाँ फायर उतरी हुई है, तो सब लोग तालियां बजाएंगे, अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे।
सिर्फ आज आपको विश्वास करना है, जो मैं मांग रहा हूँ आज मुझे मिल चुका है। आमीन। सिर्फ कहने भर से ही परमेश्वर आशीष देने वाला है। ऑनलाइन चर्च, जैसा आज परमेश्वर के दास ने बोला कि आज वो रब, वो परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है, तो विश्वास रखें, अंत तक बने रहें, अपनी प्रॉब्लम सिर्फ खुदाबंद को बताएं। आज परमेश्वर के दास जब वचन देंगे, लास्ट प्रेयर करेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे, बने रहना विश्वास में, खुदाबंद गवाही के साथ आपको ब्लेस करने वाला यीशु के नाम में। तो आइए हम और गवाहियों को सुनेंगे, जोरदार ताड़ियां बजाएंगे कि जीवित परमेश्वर ने जिन लोगों के जीवन में गवाहियों को बनाया है। कितने लोग चाहते हैं आपके जीवन में भी आज गवाहियां बने? तो तालियां बजाते रहें, जब आपके सामने गवाही देने कोई आए तो आपको उसका वेलकम करना है। परमेश्वर आपको आशीष दे, तुम गवाही को सुनेंगे। पास्टर जी बहुत बड़ी गवाही है, ये बहन बता रही है, काफी समय से ये कंसीव नहीं कर पा रहे थे, ये बेबी चाहते थे, लेकिन ये बहन चर्च में आई, इन्होंने प्रोफेसी को रिसीव किया, ये बहन बता रही है बेबी के साथ प्लस सो चुकी है। अच्छी मैं जाना यीशु दे नाल, पकड़े पाइए पकड़े पाइए, अच्छी मैं जाना यीशु दे नाल। हालेलुया, हम इस बहन की गवाही को सुनेंगे। जैम सी की, मैं ना बेटी चाहती थी परमेश्वर से, तो बेटी के साथ ब्लेस हुई हूँ मैं। हालेलुया, परमेश्वर कहता मुझसे मांग, और ये बहन कहती कि मैं बेटी चाहती थी, मैंने विश्वास किया, आप यहाँ आए, आपने प्रार्थना को रिसीव किया, और जो मांगा वो परमेश्वर ने आपको दिया। इस बहन के लिए जोरदार ताड़ियां बजाएंगे, परमेश्वर का थैंक्स करेंगे। एक अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट नहीं है, आज्ञा है परमेश्वर की। हालेलुया, कितने लोग आज्ञा को मानना चाहते हैं आज परमेश्वर की? खुदाबंद देख रहा है, देख लो, हाथ उठा लिया आपने। हालेलुया, आधे कह रहे हाय, अब क्या करें, हाथ उठा लिया है ना। परमेश्वर के इकलौते पुत्र की शोभा यात्रा जो भी प्रॉफिट जी ने अनाउंस किया कि 14 नवंबर को है, हालेलुया, उसके लिए कितने लोग सीट बोना चाहते हैं? कितने लोग सीट बोना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। 14 दिसंबर जो प्रॉफिट जी ने अनाउंस की, मेरे को भाई की गवाही याद आ गई, मैं 14 नवंबर ही चल रहा है मेरे दिमाग में। हालेलुया, 14 दिसंबर है बेटे, कितने लोग सीट बोना चाहते हैं? जितने हाथ उठा रहे हैं, आपकी कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, विश्वास के साथ आप ये बोले कि खुदाबंद जो सीड में बोने के लिए आज आपसे वाचा बांध रहा हूँ, मेरा विश्वास है गवाही के साथ मैं आने वाला हूँ यीशु के नाम में। आमीन। आपके बीच में वॉलंटियर आ रहे हैं, अपना नाम अपना नंबर आप नोट करवाएं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, जितनों ने, मैं आपको कह रही हूँ कंगाल विधवा की तरह आपने वचन सुना है, कितने लोग जानते हैं कंगाल विधवा का बीज? वो बीज जिससे दिल फटे, ये नहीं अपनी जेब में बचा हुआ जो आप खुदा के लिए, वो तो परमेश्वर जानता है कि ये दे देंगे, दिल फटने वाला। कितने लोग आज परमेश्वर की हजूरी में लेकर आना चाहते हैं? पता चले कुछ बोया है, जब परमेश्वर ने इकलौते पुत्र को जब हमारे लिए क्रूशित किया, कितना दर्द हुआ होगा जानते हैं? हमारे बच्चे को इतनी सी चोट लगती है और हम पड़ोसी से लड़ने के लिए चले जाते हैं, लेकिन खुदा बन ने तो इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। कितने लोग बड़ा बीज बोकर खुदा के राज्य में हेल्प करना चाहते हैं? मैं अपने लिए उठा रही हूँ, आप अपने लिए उठाएं। हालेलुया, मैं आपके लिए नहीं, मुझे भी आशीष चाहिए, मुझे एक जगह नहीं रहना, मुझे और बढ़ना है, क्योंकि खुदा ने मुझे नबी दिया है, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री दी है, तो जैसा नबी कहे वैसा करना है। जाल डालना चाहते हैं तो तैयार हो जाओ, बाद में सोच विचार नहीं करना, अभी नाम लिखवाओ, अभी जो यीशु मसीह के लिए रोटी और मछली लेकर आने के लिए रेडी है वो गवाही के साथ आने वाला यीशु मसीह के नाम। आपके बीच में वॉलंटियर आ रहे हैं, अपने नाम नंबर लिखवाएं, बड़ा सीड लिखवाएं, परमेश्वर आपके बच्चों की और आपकी शोभा को बढ़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हम गवाही को लेंगे यीशु के नाम। हालेलुया, पास्टर जी इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है, ये बहन बता रहे हैं कि 2 सालों से इनकी आंखों में प्रॉब्लम थी, धुंधलापन था और काफी ज्यादा आंखों में ईचिंग होती थी, खुजली होती थी, ये बहन बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, लेकिन जैसे ये दासपुर चर्च में आए, यहाँ से एनर्जेटिक ऑयल और वाटर लेके गए, इस बहन ने यूज किया और आज ये बहन बिल्कुल आजाद हो चुकी है। हालेलुया, देखते हैं सुनते हैं यीशु तेरा नाम,
गवाही को सुनेंगे। पास्टर जी को जय मसीह की, पूरी कलीसिया को जय मसीह की। मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा खुजली और इचिंग होती थी। मैंने जब ओएंटिक ऑयल और तेल यूज ऑयल वाटर यूज़ किया तो अब मुझे आराम। आप चंगी हो गई हो, आपकी आईज में एलर्जी थी। हाँ, आपने विश्वास किया, अंटंग वाटर और ऑयल लिया और आपने विश्वास किया मैं चंगी हो चुकी हूँ। ऑनलाइन चर्च और जितने यहाँ परमेश्वर के बच्चे मौजूद हैं, कहती मैं आई, मैंने विश्वास किया, एनॉइंटिंग ऑयल और वाटर विश्वास करके आंखों पे लगाया। आपके सामने गवाही के साथ आइए, जोरदार ताड़ियां बजाएंगे यीशु के नाम में। मैं चंगी होगी, मैं चंगी होगी, ओ चंगी हो गई, मैं चंगी हो गई, ओ चंगी होगी, मैं चंगी हो गई, ओ। हालेलुया, जितने बोल रहे हैं ना चंगी होगी, वो हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। हम गवाही सुनेंगे। पास्टर जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि एक साल से झूठा कोर्ट केस चल रहा था। एक दिन प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की कि आप कोर्ट केस से आजाद होने के लिए ये जा रहे हो। इस बहन ने प्रोफेसी का रिसीव किया, कोर्ट केस से आजाद हो चुके हैं। राजिया तारा जा साडे नाल नाल रहता है, राजिया तारा जा साडे नाल नाल रहता है, राजिया तारा जा साडे नाल नाल रहता है, हम बहन की गवाही को सुनेंगे। जय मसीह पास्टर जी, जय मसीह की, सारी कलीसिया नु जय मसीह की। मेरी बहुत बड़ी गवाही है कि मेरे ना भी कॉल आया मेनू, कहंदे जां तां 37,000 रुपया भर दो नहीं तुहानू रेस्ट करांगे। मैं क्या, कोई नहीं तुसी सर आ जाओ। उन्होंने मेरा पूरा एड्रैस लै लिया, मैं एड्रैस भी देता उन्होंने। जदों उन्होंने आन लगे सिटी दे विचों बाहर निकले तो उन्होंने ट्रैफिक हो गया, बहुत वड्डा ट्रैफिक हो गया तो निकल नहीं पाए। मैंने कहते सिस्टर जाना नहीं, लेडी पुछ तो रेस्ट करने वास्ते आई। मैं क्या, कोई गल नहीं। मैं प्रार्थना से बैठी, नॉइंटी ऑल वाटर लगाया। जिमें मैं प्रार्थना करन लगी, पापा जी आके कहते बेटा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। अखा खोलिया, जिमें अखा खोलिया नाल दी नाल मैनू कॉल आ गया, सिस्टर तुहाडा केस कैंसल हो गया। हालेलुया, चर्च आपने सुना भजन संहिता 35 में लिखा कि हे यहोवा मेरे मुकदमे को लड़। कितने लोग अपने मुकदमे अब यहोवा को देने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। इस बहन ने विश्वास किया और प्रार्थना पर विश्वास किया कि जिस चर्च को परमेश्वर ने मुझे दिया वहां एक नबी है, और कहते मैंने प्रार्थना की और पवित्र आत्मा ने मुझे बोला मत डर, और ये जीत चुकी है। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे और खुदा की महिमा करेंगे यीशु के नाम में। यीशु नु मैं अपना बनाया, मैं दुखा चो रहाई हो गई, मैं नच नच खुशियां मनावा, मेरी भी गवाही हो गई, मैं नच नच खुशियां मनावा, मेरी भी गवाही हो गई। हम अगली गवाही को सुनेंगे। और परमेश्वर मेरी एक और है, मेरा बेटा ना बहुत गलत नशे दे विच पै गया सीगा। मेरी नो कहंदी भी मम्मा मैं नहीं रहना गा, मैं तां अभी पेके चली जलंधर। मैं कहा बेटा तू विश्वास कर, कहंदी मम्मा नहीं मैं रहना, आपदी गुड़िया भी तुसी लै लो। मैं कहा बेटा नहीं, मैं प्रार्थना की, मैं कहना तू ऑयल लगा इहदे सिर दे विच, कहंदी मम्मा मैं नहीं लगाना, मैनू नहीं विश्वास। मैं कहा चल मैनू विश्वास हैगा, तू ऑयल तां लगा, आपां प्रार्थना करदे हैं, आपां भवन दे विच चुने हुए हैं। मैं कहा ठीक है, आपां ना कि कोर्ट कचहरी दे विच जाना ना होस्पिटलां दे विच जाना। मेरी नो ने जिवें ऑयल लगाया, मेरा बेटा कहंदा मैनू ना उल्टी आंदी पई है। जदों ही उन्होंने उल्टी आई, पता नहीं उनके मन बल के विचों की निकलिया, कहंदा ना फोन करके मम्मा नाल गल कराओ। मेरे नाल गल की, मैं प्रार्थना की, प्रार्थना करते सारी कहंदा मम्मा मैं आज तो बाद नशा नहीं करूंगा कोई भी। हालेलुया, जोरदार ताली बजा। मेरी वाचा बंद हो गया, दूजा खुल जाएगा, एक तेरी वाचा बंद हो गया, दूजा खुल जाएगा। हम अगली गवाही को सुनेंगे और जोरदार ताड़ियों से, मैंने बोला तालियां बजाएं, तालियों में सामर्थ है, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और ब्लेस कर रहा है। हम गवाही सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि पिछले संडे प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि आपके अकाउंट में मिराकल मनी होने के लिए जा रही है। इस बहन ने प्रोफेसी का रिसीव किया, अभी बता रहे हैं कि मिराकल मनी हो चुकी है। हालेलुया, ते सारा जाता यीशु नु जला, सारा जाता यीशु नु जला, ते सारा जाता यीशु नु जला। हम इस बहन की गवाही को सुनेंगे।
सारी कलेसियों को जय मसीह की, दीदी जी को जय मसीह की, जय मसीह की। पिछले संडे पापा परवेशी कर रहे थे कि जिसका अपना अपना पर्स उठाइए, मैं इतनी मनी होने वाली, हमने हमारे पास प्रभु से हमने, ये बहन बता रही है ये प्रोफेसी को रिसीव किया, लाइव देख रही थी परफेक्ट वर्ड को जो प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे, रिसीव किया कि जिसके पास अपने पर्स उठाओ, अपने एटीएम कार्ड जो भी है उठाओ, इस बहन ने रिसीव किया। कहती मेरे पास किराया नहीं है, यही बोल रहे ना आप, कहते मैंने विश्वास के साथ अपना पर्स उठाया, परमेश्वर ने इस बहन को मिराकल मनी के साथ ब्लेस किया। आपके सामने गवाही दे रही है, जोरदार ताड़ियां बजाएंगे। अगर आप उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ यही बोलते रहेंगे परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं कह रही हूँ कोई आपको हरा नहीं पाएगा लाइफ टाइम यीशु मसीह के नाम में। हम गवाही को सुनेंगे। हालेलुया। इस बहन की बहुत ही बड़ी गवाही है, बहन अपनी गवाही में बता रही है प्रॉफिट जी ने इनके लिए प्रोफेसी की कि आपको न्यू कार मिलने के लिए जा रही है। इस बहन ने प्रोफेसी को रिसीव किया और आइए बहन बड़ी गवाही के साथ इस बहन कार के साथ ब्लेस हो चुकी है। हालेलुया। हालेलुया। अज मैं जाना यीशु दे नाल, पंगड़े पाइए पंगड़े पाइए, अज मैं जाना यीशु दे नाल, पंगड़े पाइए पंगड़े पाइए। हालेलुया। हम बहन की गवाही को सुनेंगे। पापा जी को जयमसी की, पास्टर जी जयमसी की, जयमसी। पास्टर जी हम कई महीनों से गार्ड लेना चाहते थे और नहीं ले पा रहे थे, पास्टर जी ने प्रोफेसी की कि नक्शा बनाओ और ऑयल लगाओ। मैंने नक्शा बनाया और ऑयल लगाया और संडे को मैंने ले हैंड प्रे करवाई और थर्सडे को हम गाड़ी से ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया। ऑनलाइन चर्च आपने सुना, ये गाड़ी लेना चाहते थे प्रॉफिट जी, कई टाइम से एवरी थर्सडे मीटिंग में बोल रहे थे अपने पेपर लो, जो भी आप बनाना चाहते हो लेना चाहते हो उसके ऊपर ड्रॉ करो, ऑयल लगा के प्रेयर करो। ये गुड़िया गाड़ी लेना चाहती थी, इसकी फैमिली ले नहीं पा रही थी, विश्वास किया नबी की कही हुई बात के ऊपर और आज परमेश्वर ने कह रहे अद्दा किद्दा हो गया, कैसे हुआ, विश्वास करने के साथ गाड़ी के साथ आए हैं, जोरदार ताड़ियां बजाएंगे। बड़े काम करदा जी, बड़े काम करदा, बड़े काम करदा, बड़े 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 काम करदा, बड़े 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 करदा। हालेलुया। हम अगली गवाही को सुनेंगे। मैंने बोला तालियां बजाते रहें, आपकी गवाही नॉक कर रही है आपके दरवाजे के ऊपर यीशु मसीह के नाम में। हम गवाही सुनेंगे। पास्टर जी बहुत बड़ी गवाही है, ये बहन बता रही है काफी समय से इनके घर में दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी जिसके कारण इनके घर पे लड़ाई झगड़ा रहता था और इनका बेटा इनसे बहुत झगड़ा करता था जिसके कारण ये चर्च भी नहीं आ पाते थे, लेकिन ये इन्होंने प्रोफेसी को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया। ये बहन बता रही है इनका परिवार दुष्ट आत्मा से आजाद हो चुका है, इनका बेटा भी जो चर्च में नहीं आता था आने लगा। हालेलुया। मेरा बच्चा नहीं आ रहा चर्च विच, बहुत लड़ाई झगड़ा रहिंदा सीगा बहुत ज्यादा साडे घर दे विच, ते चर्च आउण लगे ते घर भी बन गया आ और बेटा भी आना शुरू हो गया। ये कह रहे हैं कि हमारा घर नहीं बन पा रहा था, बेटा ब्लेस नहीं था और जैसे ही हम मिनिस्ट्री में आए हमने विश्वास किया, प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया, ना हो गया चर्च च आउंदियां नूं ते घर भी बन गया। अब इनका घर भी बन चुका है, बेटा भी आ रहा है, पूरा परिवार ब्लेस हो चुका है। तालियां बजाएंगे, खुदाबंद का धन्यवाद करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हम अगली गवाही को सुनेंगे।
और तालियां बजाएंगे कि सचमुच परमेश्वर इस भाई बहन के जीवन में गवाहियां बनाने के लिए हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम गवाही सुनेंगे, हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रहे हैं कि इनके बहुत कर्जा हो चुका था, कर्जे की वजह से इनको अपना घर सेल करना पड़ा और प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि आप जो आपके जो घर है आपको वापस मिलने के लिए जा रही है। ये बहन बता रही है कि इनको वही घर वापस मिल चुका है। हालेलुया। मां पढ़ ली यीशु ने, मेरी मां पढ़ ली, हो मां पढ़ ली गवाही को सुनेंगे। पास्टर जी ने जाम सी दी, पूरी कलीसिया ने जाम सी दी। पापा ने फिर फैसले कीती सी कि किराए ते कोई नहीं जाएगा, घर मिलन जा रहा वा। आपा कर्जे दी वजह ना घर वेच चुके हां। उन्हां दा बयाना आया ही, पापा जी ने तो प्रार्थना की भी घर जिहड़ा वा मिलन वाला वा, सानू वापस घर मिल गया वे, बयाना वापस कर दिता। ते परमेश्वर करी दवाए हो करो, साडा कर्जा भी लथ जी। हालेलुया। विश्वास है आपको कि जैसा नबी बोलेगा वैसा होगा? जरा हाथ उठा के बताओ कितने विश्वास करते हैं। देख लो, कहते घर बिक गया था और कोई भी ऐसा चांस नहीं था कि वापस आए। कहते प्रॉफिट जी बोल रहे थे चिंता ना करो, घर वापस आएंगे। इस बहन ने विश्वास किया, प्रोफेटिक वर्ड का आदर किया और परमेश्वर ने बड़ी गवाही के साथ इसे ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम में। तालियां बजाएंगे और खुदा की महिमा करेंगे। हालेलुया। कितने लोग उछल उछल के नाचते हैं। अपने घरों में आज से वर्शिप करना शुरू करो, एक पवित्र वेदी बनाओ और जैसा आज परमेश्वर का नबी कहे वैसा करना। अगले संडे आप भी ऑनलाइन लगाने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पास्टर जी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है पिछले 2 सालों से इस बहन के और इनकी फैमिली में दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, जिनके कारण इनकी पूरी फैमिली में झगड़ा रहता था। लेकिन ये चर्च में आए, प्रोफेसी को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया, बता रहे दुष्ट आत्मा से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। उछल के नचा, मेनू दर्शन होया यीशु, मैं उछल उछल के नचा, मेनू दर्शन होया यीशु दा, हाय मेनू यीशु ना मिल गया। इसके जोरदार तालियों से परमेश्वर के दर्शन होया यीशु, प्रभु यीशु मसीह के नाम की। सब बैठ जाए मेरे अजीजों, सब बैठ जाए। हालेलुया। सब बैठ जाए, शाबाश, जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, जितने लोग अभी गवाहियां सुन रहे थे आज सब के सब आशीषित होंगे। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग गवाहियां सुनते हैं उनके घर भी बरकत आती है। यीशु मसीह ने कहा एक जगह, कोड़ी को जब चंगा किया तो उसी समय कहा जा याजक को दिखा ताकि सुनने वालों पर गवाही ठहरे। किस पर? जो सुन रहे हैं। ये गुड न्यूज है आपके लिए। कितने लोग विश्वास करते हैं कि जो जो मैं कहूंगा हो जाएगा? आज आपके अंदर भी ऐसी स्पिरिट काम कर रही है। आपने देखा छोटे बच्चे जो होते हैं वो जो मुंह से बोलते हैं वो हो जाता है। क्यों बोलते हैं छोटे बच्चों को कि जो आप छोटे बच्चे जो बोलते हैं सच हो जाता है? क्यों हो जाता है वो? क्योंकि उनकी स्पिरिट के अंदर पाप नहीं होता। उन बच्चों को पाप का ज्ञान नहीं होता। 8 साल से, एक मिनट में फोटो खिंचा लूं, बड़ी देर से परेशान हूं। 8 साल से, 8 साल का बच्चा, उसके पाप परमेश्वर के सामने गिने नहीं जाते। लेकिन 8 साल के बाद कह रहे कि जो बच्चे सुनने ध्यान से कि कुछ पाप ऐसे होते हैं जब एक व्यक्ति जानने लगता है उसको। इसलिए जब एक मसीह में आना और आपको पाप को छोड़ना, जिस दिन से आप पाप से तोबा करना शुरू करते हैं उस दिन से परमेश्वर की वो स्पिरिट आपके अंदर आती है, जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा।
आज चाहते हैं कि नहीं। मैंने देखा भी, जैसे ही मैं अभी स्टेज के पास आया तो मुझे प्रभु ने कहा, कुछ लोग चिढ़ते हैं इस बात से, कुछ लोग बोलते हैं कि ये पता नहीं क्यों बोलता रहता है ऐसे, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपका नाम भी मैच हो रहा है, जिसके नाम बी एन आर एस वाई और जी से, आप फरवरी के महीने में आपके आप पहली बार क्यों ना आए हो या मुझे फर्स्ट टाइम क्यों ना देख रहा हो, कोई भी मुझे लाइव में देख रहा हो, यह होली स्पिरिट की ओर से है कि आपको फरवरी के महीने में एक मकान जो नहीं बना पा रहे वो बनाएंगे आप। यस आमीन। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। जब मैं प्रार्थना कर रहा था ऊपर स्टेज पर, तो प्रभु ने मुझे बोला, इनको बोल कि 2023 में और 2000 मैंने कहा था 22 से और 23 के दिसंबर से लेकर आप सितंबर के बीच में आप देखेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर टिड्डियों का कहर देखेंगे, कुछ अलग अलग चीजें आसमान से आने लगेंगी, लोग परेशान होंगे, ऐसा मैंने आत्मा में देखा। इसका मतलब कि परमेश्वर दर्शन देता है, बताता है भविष्यता को, धरती पर कुछ करने से पहले दर्शन देगा, बताएगा। आपको मेरे कपड़ों पर नहीं जाना, मेरी आत्मा पर जाना है, विश्वास करना है कि अगर जितनी आपकी स्पिरिट साफ होगी, जितनी आपकी आत्मा साफ होगी, उतना परमेश्वर आपकी आत्मा में बातें करने लगेगा। बोलो हालेलुया। जो जो प्रभु ने मुझे दिखाया था वो पूरा हुआ। कितनी बार क्या क्या बोला आपके सामने है कि हर देश के लिए, हर शहर के लिए जो जो बोला वो पूरे साल में एक दिन बता दिया था आपको। क्रिसमस नए ईयर न्यू ईयर पर आपको बताया था कि 2022 में ये होगा, और आप देख सकते हैं यूट्यूब पर कि वो भविष्यवाणियां सब पूरी हो रही हैं। और कितने लोग चाहते हैं कि हम इस क्रिसमस पर अपनी भविष्यवाणी को सुन कर जाएं, तो आप क्रिसमस, ये क्रिसमस आपके लिए आशीष भरा होगा यीशु मसीह के नाम। हाँ हाँ, गवाही सुनेंगे जल्दी से जो लोग आशीष पाना चाहते हैं। हाँ शाबाश, हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई बता रहे, काफी समय से ये भाई कनाडा के लिए ट्राई कर रहे थे, एक बार रिफ्यूजल भी आ चुका है, लेकिन ये भाई और इस सिस्टर ने स्पेशल ले हैंड प्रार्थना कराई और अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया। ये भाई बता रहे इस ब्रदर का और इनके पेरेंट्स का कनाडा का वीजा आ चुका है। मेरे यीशु में यही बात है कि जो उसको नहीं भी जानता उसको भी आशीष दे देता है वो। हम उसको आशीष देते हैं जो हमारी सेवा करता है, ऐसा है कि नहीं? करें, जो हमारी दादी होती है, हमारी सास होती है, अगर आप उसके टांग भीजते हो तो वो कहते हैं दूध दो फूलों पू तो ना हो, वो आशीष देते हैं आपको, लेकिन आप उनको आशीष देते हैं, लेकिन यीशु उनको भी आशीष देता है जो आप उसको नहीं जानता। आज वो बरकत लेकर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, बताएंगे गवाही बेटे कहाँ से आए? लुधियाना से। हाँ हाँ बताओ। जय मसीह की पास्टर जी, जय मसीह की सारी कलीसिया को मैं ये बताना चाहती हूँ कि पिछले मंथ हमने ले हैंड प्रेयर करवाई, जैसे कि ये मेरे देवर हैं, इनका वीजा जो था वो रिजेक्ट हो गया था कनाडा का, और जो एम्बेसी का टाइम होता है वो 3 मंथ्स का होता है, लेकिन प्रभु का ऐसा मिरेकल हुआ कि ये वीज़ा हमें सिर्फ 1.5 महीने में आ गया, और मैं सारा आदर महिमा मैं पास्टर जी को और प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। हाँ हाँ, कहाँ से? लुधियाना से। कनाडा का वीजा लगा, परमेश्वर ने आशीष दिया। देखो ये बता रही बहन के परमेश्वर ने आशीष दे दिया। बहुत सारे लोग जो है ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मिल नहीं रही है लाइन में, लेकिन मैंने क्या कहा था, मेरे नाम में आपकी आशीषें खुलेंगी। अपने हाथों को उठाओ, अपने बच्चों के लिए आज मांग लो, जो मांगने आजाद हो जाओ आज यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष आपकी हो, जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। शाबाश। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओदे अगे बीमारियां दी की औखोदे, ओदे अगे बीमारियां दी की औखा। और टोल ले के पैसे पूरे कर ले। हाँ बजा। हालेलुया।
हाथों को उठा के कैमरामैन अपने हाथों को उठाओ शाबाश बोलो। मैं फिर कह रहा हूँ जो कुर्सी पे बैठे हैं नाच नहीं रहे उनके घर कैसे खुशी आएगी आपको पता है। मेरी बात सुनना ध्यान से, इस चर्च के अंदर ऐसे ही लोग नहीं आते ढोल लेकर। आज अगर आप इनके लिए नाच रहे हो कल आप आओगे ढोल लेकर। हाँ बोलो 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 बारी बरसी खंडन की आसी खंड के ले आते केले हो बारी बरसी खंडन की आसी खंड के ले आते केले हो पंखड़ा ता सजदा जिन जिन सूते चेले पंखड़ा ता सजदा जिन जिन सूते बोलो यीशु मसीह की जोर से तारीफ करें बैठ जाएं शाबाश। हाँ हाँ सुनेंगे गवाही। हाँ बताएंगे बेटे कहाँ से है बताओ शाबाश। हालेलुया प्रॉफिट जिस बहन की बहुत बड़ी गवाही है ये बहन अपने हस्बैंड की गवाही बता रहे हैं कि इनके जो हस्बैंड है काफी टाइम से वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन उनका वीजा लग नहीं पा रहा था। जैसे ये बहन ताजपुर चर्च में आई और आप प्रोफेसी कर रहे थे कि एस नाम वालों का इटली का वीजा आने के लिए जा रहा है इस बहन ने वर्ड्स को रिसीव किया और इनके जो हस्बैंड है इटली के वीजे के साथ ब्लेस हो चुके हैं। जीसस ओए मजा ओए मजा लग गई याने ओए मजा लग गई याने बोलो यीशु मसीह की। मैंने पड़ोसी को बोला तेरे घर भी मौजा आ रही ने बैजो 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 शाबाश बोलो तेरे घर भी मौजा आ रही ने। अरे आ रही है कि नहीं? हाँ या ना? यही है विश्वास कह रहे हैं यही है विश्वास उसके घर भी मौजा आ रही है। बताएंगे बेटे कहाँ से आए? जैम सिटी पापा जी जैम सिटी सारी कलीसिया नु पापा जी मेरी गवाही है मैं कपूरथला जिला तो आई हाँ। पापा जी मेरी गवाही है कि मेरे हस्बैंड इटली मतलब इटली वास्ते ट्राई करते ही पापा जी ते मैं चर्च में इतने रिसीव किया ही तुम कह रहे थे कि इस नाम वाले इटली के वीजे नाल ब्लैस हो जा रहे हैं। पापा जी मैं हर संडे रिसीव करती हूँ कि मेरे हस्बैंड जरूर पहुँचे। पापा जी और परसों के इटली पहुँच चुके हैं मैं इस चर्च च जो आने 3 महीने हो गए मैंने लगातार आँदी रू प्रभु ने मैंने इतनी बड़िया ब्लैसिंग दिखा मैं यही हूँ कहनी जिन्ना चर भी मेरी जिंदगी है मैं ताजपुर चर्च नहीं छड़ना प्रभु ने मैं 3 महीने बनी गल समझ आई कि नहीं? देखो गवाही देन दा ते लैन दा मकसद पूरा करता कि नहीं? इसने कहते कहते हुण मैं छड़ना नहीं यही है परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग। देखो इसका मतलब पहले भी जारी थी पहले भी जानती थी लेकिन ये अभिषेक है। मैंने फिर क्या कहा आपको फैसला लेना है राइट प्लेस पर आना है या नहीं आना है। ये अनॉइंटिंग प्लेस है आप जहाँ पर विश्वास के साथ आएंगे परमेश्वर काम बनाएगा। वो बता रही है कि 3 महीने से जैसी मैं जुड़ी मेरा पति इटली के ब्लेसिंग मिला और आज चला गया और करी की और ज्यादा ब्लेसिंग मिलती जा रही है इसको। ये परमेश्वर है अपने हाथों को उठाऊ जोर से तारीफ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। एक छलांग लगा के बैठ जाओ शाबाश। जो एक छलांग लगा के बैठ रहे हैं उनके घर भी ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह। आज बड़े ढोल वाले आ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी गवाही के साथ शाबाश शाबाश गवाही के साथ। हाँ बेटे हाँ प्रभु जी इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि 3 साल से इनके पास कोई भी बच्चा नहीं था और इनकी ननंद के पास कोई भी बच्चा नहीं था। आपने प्रोफेसी की इन्होंने प्रोफेसी का रिसीव किया 3 साल के बाद बेटे की आशीष मिल चुकी है। तारीफ करे बैठ जाए शाबाश अपने हाथों को उठाओ। मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग दूसरों की खुशी में खुश हो रहे हैं और जो लोग नाच रहे हैं उछल रहे हैं उनके वेट भी लूज हो रहे हैं। विश्वास करें परमेश्वर सुनता है बोलो हालेलुया। हाँ 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 बेटे बताएंगे कहाँ से आए? जैम सिटी मेरी बस से आंदे सी
इन्होंने बहुत विश्वास किया, तेल और लेके जाते रहे इतों, तो इन्होंने 3 साल बाद बच्चों की ब्लैसिंग मिली। 3 साल के बाद बच्चों की ब्लैसिंग मिली बेटे की। दो जुड़वे, दो बेटे, तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। दिखाओ दोनों की शक्ल, दिखाओ दोनों की। नहीं ये एक मतलब मैं समझा नहीं बात। दो ननान पर क्या है दो? अच्छा दोनों नु बेटे मिले, दोनों को देखो तीन। आप सुन रहे हैं कि 3 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे इनकी ननान को, और आपके सामने जब इन्होंने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, आज बेटे के साथ हैं, दोनों को एक ही समय में बेटे की आशीष मिली। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। देखो एक ही टाइम में और एक ही ब्लेसिंग, ये परमेश्वर की ओर से। और एक बहन अभी आकर बता रही थी कि एस नाम से भविष्यवाणी किया और इटली का वीजा आया, किसी का कनाडा का वीजा आया। जो भी लोग आज रिसीव कर रहे हैं उनके घर में भी ब्लेसिंग डबल हो करा रही यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करें, जय जय शाबाश। नेक्स्ट पड़ा फट पड़ा फट। हाँ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, हाँ चर्च की गवाही लेंगे फटाफट। हाँ जल्दी शाबाश, एक साथ गवाहियां दे बेटे फटाफट। आवाज खोल, हाँ हाँ। नेक्स्ट जलंधर गवाही के साथ साथ। हालेलुया, प्रॉफिट जिस बहन की बहुत बड़ी गवाही है, ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं, इनको 8 साल से स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम थी, ये जैसे ही तारपुर चर्च में प्रोफेसी को रिसीव किया, जय आज बहन आजाद हो चुकी है। हाँ बेटे कहाँ से आए, कहाँ से आए? पापा जी जय मसीह की, मैं यूपी से आई हूँ। कब से थी एलर्जी आपको? 8 साल से। 8 साल से, कैसे ठीक हुए आप? पापा जी आप बोल रहे थे कि जी नाम वाले प्रोफेसर रिसीव करें, एलर्जी से आजाद हो रहे हैं। तारीफ करें जोर से, जाए जाए। नेक्स्ट फटाफट, शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ हाँ प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है, ये बहन बता रही है कि दोनों हस्बैंड वाइफ फॉरेन जाना चाहते थे लेकिन वीजा नहीं आ रहा था, लेकिन ये चर्च में आए, विश्वास से प्रोफेसी को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया, दोनों हस्बैंड वाइफ का ऑस्ट्रेलिया का वीजा और इनके दामाद का कनाडा का वीजा आ चुका है। मोजा 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 लगे गई। बोलो यीशु मसीह की। देखो आपके सामने मैंने बताया कि नहीं, कि कई बार कहा कि आपको कनाडा की ब्लेसिंग मिल रही है, किसी को मिले ना मिले, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे और यहाँ बैठे हैं उनके बच्चों को फेवर कर रहे हैं परमेश्वर, वो सुनता है। एक आदमी मुझसे आके बोलने लगा, ले तेरी क्यों सुनता है? मैंने कहा ले मेरी नहीं सुनेगा फिर किसकी सुनेगा? मैंने कहा जो पाप नहीं करते हैं, जो परमेश्वर का पीछा करते हैं, भक्ति करते हैं, उनकी वो सुनता है। बोला हालेलुया। आपको विश्वास करना है, ये आदत अपने अंदर डालनी है, अपने आप को कोशिश करना है कि मुझे परमेश्वर, मुझे पवित्रता ही का जीवन जीना है। मैं कह रहा हूँ कि कोई फर्क नहीं है कि मैं दाढ़ी बढ़ा लूँ या मैं कोई कोट लगा लूँ या मैं कोई चोला पहन लूँ, आपको चोला पहनने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन अंदर से साफ है तो परमेश्वर आज रात आपकी भी सुनने वाला है। यीशु मसीह के नाम, समझ रहे हैं कि नहीं? आपको विश्वास करना है बस, परमेश्वर है। हाँ 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 बताएंगे बेटे गवाही के साथ। हाँ कनाडा, कहाँ से आए आप? लुधियाना से। पापा जी सारी कलीसिया में जैम सी, पापा जी नो जैम सी थी। पापा जी लुधियाने तो आए, आप अपनी पहली गवाही ये है कि साढ़े दमाद का वीजा आ गया सी कनेडा का, 1 महीने के बिच बिच जुलाई महीने जिता के बाहर जा चुका कनेडा के बिच, तो हूँ उन्होंने तुम पापा जी कार की ब्लैसिंग भी दे चुके हैं, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। असं आस्ट्रेलिया लिए अपलाई किया पापा जी, 3 साल के विजय नाल ही दोनों जने ब्लैस हो चुके हैं पापा जी। देखो लुधियाने तो आए ने, कितों आए तुसी? लुधियाने तो पापा जी। लुधियाने तो की ना है तेरा? परविंदर कुमारी जी। हाँ परविंदर कुमारी, देखो तुम्हारे सामने दस रही है कि अदे दमाद नु भी कनाडा का वीजा मिलया। दमाद नु? हाँ जी चले गए जी। दमाद की हुंदा? लड़की दे घर वाला। लड़की का घर वाला, हाँ दमाद जमाई। हाँ जी। और इन दोनों को भी परमेश्वर ने ऑस्ट्रेलिया का वीजा दिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये कैसे दिया आप ये पूछो, कैसे दिया? ये आकर ऐसे नहीं बता रहे हैं, दुनिया के लगते हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि जब हम इस चर्च में आए, हमने प्रोफेसी को रिसीव किया, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, आज गवाही के साथ आया पूरा कुनबा। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में।
अपने हाथों को उठाऊं, जोर से तारीफ करेंगे, शाबाश। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। नेक्स्ट नेक्स्ट गवाही। हालेलुया प्रॉफिट जी, इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई अपनी सिस्टर की गवाही बता रहे हैं कि उनको 10 साल से बेबी की आशीष नहीं मिल पा रही थी, बेबी बॉय की आशीष नहीं मिल पा रही थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर दिया, उन्होंने यूज किया और आज इनकी बहन बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुकी है। ओ बाबा मैं तो मार यीशु ली, ओ बाबा मैं तो मार यीशु ली। हां जी हां जी, कहां से? ओए क्या ये क्या कर रखा है? हां बोलो। पापा जी को जय मसीह की, सभी कलेशिया को जय मसीह की। राजस्थान से मैं बाबूलाल, राजस्थान से आए। हाँ, क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरी सिस्टर के 10 साल से बच्चा हुआ है। 10 साल से बच्चा नहीं था, बेटा नहीं था, बेटा नहीं था, दो बच्ची थी। मैं पूछ रहा हूँ, बेटा नहीं था? बेटा नहीं था। फिर बेटा हो गया? बेटा हो गया। कैसे हुआ? आपके नोइंटी ऑयल लेके गया था मैं। हाँ। और चर्च में आ रहा था, आप रात को आप सपने में मेरे पास आए और आपने ये बोला कि गवाही आ रही है बाबूलाल आपके घर में। बाबूलाल? हाँ। बाबूलाल देखो, ये परमेश्वर है, वो खुद बता रहा है, राजस्थान से आया, इसकी बहन को 10 साल से बेटा मांग रही थी, दो बेटियां होने के बाद बच्चा नहीं हो रहा था, कोई प्रॉब्लम हो गया होगा, और वो बता रहा है अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया और उसके बाद बेटे की आशीष मिला, लेकिन ड्रीम्स में पहले परमेश्वर ने इसको दर्शन दिए। आपको सुनना है, जब आपको कोई पास्टर आपको नजर आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि एक स्वर्ग दूत है वो। हालेलुया। तो ये परमेश्वर है, आपकी गवाही बना रहा है, आज आपकी भी गवाहियां बनने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वेस्ट बंगाल गवाही के साथ शाबाश। ब्रांच में गवाहियां लेंगे। हाँ शाबाश, फटाफट सबकी गवाही देते चला, एक एक गवाही मत दे, टाइम टाइम शॉर्टेज। आवाज नहीं आ रही तेरी, वेस्ट बंगाल आवाज नहीं आ रही तेरी, अपना माइक ठीक करो, साउंड ठीक कर, आवाज नहीं आ रही मेरे पास। हाँ, नेक्स्ट गवाही के साथ जल्दी जल्दी फटाफट। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। हाँ। ये बहन बता रही, इनकी शादी को 16 साल हो चुके हैं, इनके पास 3 बेटियां थी, बेटा नहीं था, कंसीव करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। ये बहन चर्च में आए, क्या कर रहा लड़के, कलगात गवाही को नहीं दिखा रहा, विश्वास के साथ स्पेशल ले हैंड प्रार्थना कराई, अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया, बता रहे 8 महीने से प्रेग्नेंट है। हालेलुया। बेटे कहाँ से आए? पापा जी फाजिलका जिले तो आए से। पापा जी ने जैम सी दी, सारी कलीसिया को जैम सी दी। पापा जी साढ़े जीवन दे गवाही है, मेरे को 3 बेटियां, 9 तो बाद ਅਸੀਂ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਐ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ 3 ਹੈ ਕਿ 4 ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵੀ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਈ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪਾਪਾ ਜੀ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਫਿਰ ਐ ਗੱਲ ਦੱਸ ਨਾ, 3 ਬੇਟੀਆਂ, पापा जी 16 साल हो गए ना, ओदो बाद स्पेशल ले। चल मैं तेरी बात को पूरा करता हूँ, 3 बेटियां, जो तीसरी बेटी हुई वो कब हुई थी आपको, कौन से सन में हुई थी? पापा जी उन्होंने तीसरी बेटी मतलब कि आपको 2008 में, 10 में, 11 में, 12 में कब हुई थी, कोई याद है? ओ असी गोद में पापा जी दे देती सी, गोद च देती सी। हां जी, तीजी। हां जी, मतलब तुहानू नहीं पता तीजा बच्चा कदों होया सीगा? पापा जी 2012 च, 13 च, 15 च, कोई तो 14 च होई सी। चलो इसने आइडिया लगाया 14 में। अब मैं वही बता रहा हूँ, यहाँ पर आकर प्रभु की महिमा खराब करते हैं कुछ लोग, गवाही देनी नहीं आती इसलिए सिखा रहा हूँ। यहाँ पर कितनी बड़ी बात है, 2014 के बाद अब 22 चल रहे, खत्म हो गया, 23 आने वाला है, इसके पीछे 6 और 3 9, उसके बाद 9 साल क्या इसने दवाई नहीं खाई, बच्चा नहीं हो रहा है, वो देखो रिपोर्ट है, यूट्रस में प्रॉब्लम आ गई इसलिए बच्चा नहीं हो रहा। ये तो बोल रही है कि 3 बेटियां सीखी, बेटा नहीं हो रहा था, एवं तो लोग सोचेंगे कि हो गया होना, लेकिन मैं आपकी बात बता रहा हूँ कि इसकी रिपोर्ट देखो,
सारी चीजें देखो, मैं बिना रिपोर्ट वाले की गवाही नहीं रहता कि 16 साल हो गए इसकी शादी को, 9 साल करें इसको कोई बच्चा नहीं हो रहा था, उसके बाद बेटा नहीं हो रहा था, रुकावट होगी, प्रॉब्लम हो गया इसको, और इसने यहाँ पर आकर अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया और आज इसकी रिपोर्टें बोल रही हैं कि वो सारी यूट्रस में से इन्फेक्शन खत्म हुए और आज ये प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है आप? स्पेशल ले हैंड प्रेयर कराई इसने और आज ये प्रेग्नेंट है। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब 9 साल की बीमारी, 9 साल की रुकावटें आज जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं आपके सिर के ऊपर से जाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और चीज में रिसीव करो, पत्रियां बाहर जाएं। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं चीज में चर्च में बैठे, अगर आपके शरीर में कहीं भी किसी भी हिस्से पर कमी कमजोरी है चीज में बाहर जाए, बाहर जाए, बाहर जाए, आउट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाओ। और अगले 5 मिनट में आप आशीष को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ, वेस्ट बंगाल गवाही के साथ फटाफट। हाँ, नेक्स्ट गवाही के साथ आजो फटाफट। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि 7 साल से इनके पेट में अल्सर हो चुका था और डॉक्टर ने इनको जवाब दे दिया था। ये बहन खाना पीने बिल्कुल छोड़ चुकी थी, जब चर्च में आए अनॉइंटिंग ऑयल वाटर का यूज किया है। ये बहन बता रही है रिपोर्ट है नॉर्मल आ चुकी है। हालेलुया। दस कहाँ से आए, कहाँ से बेटे बताएंगे? श्री मुक्सर साहब तो। हाँ दसो की प्रॉब्लम। पापा जी को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। मैंने 7 साल तो पेट चल इन्फेक्शन बहुत सी, मैं पानी भी नहीं पी सकती सी। जो तो मैं पानी पीती कुछ भी खाती तो मैं पेट खराब हो जाता। इतों मैं डॉक्टर ने जवाब देता, कहते तुम लुधियाने लै जाओ इन्हों। लुधियाने जाके मैं ICU दाखिल करता इन्होंने। मैं तो उम्मीद ही छाड़ती सी मैं बच जूंगी। मैनू 1.5 साल हो गया, मैं इतने चर्च आई तो मैं जमा ठीक हो गई इतों। देखो आप बेटे कहाँ से आए, आप कहाँ से हैं? श्री मुक्सर साहब। देखो मुक्सर साहब से आई है और अल्सर कब से था आपको? 7 साल तो जी। 7 साल से अल्सर था पेट में, बताया था। हाँ जी, पेट में अल्सर का मतलब कई बार कैंसर बन जाता है। यस, हाँ जी, कैंसर बन जाता है। लेकिन ये बहन बता रही कि यहाँ पर जब आप आने लगे उसके बाद आपने एनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया और ले हैंड, आप दूसरी गवाही सुन रहे हैं, 9 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, रुकावट थी, अगला बच्चा नहीं हो रहा था उसको, यूट्रस से प्रॉब्लम था, ले हैंड प्रे कराया, आजाद होगी, आज प्रेग्नेंट है वो। और ये भी बता रही है अल्सर कैंसर जैसा अल्सर इसके पेट में था। रिपोर्टें देखो, जूम कर रिपोर्ट दिखा, स्क्रीन पे दिखाओ रिपोर्ट। देखो वो रिपोर्टें आफ्टर और बिफोर, वो पहले वाली रिपोर्ट है और इधर वाली रिपोर्ट दिखा। ये रिपोर्ट है, नॉर्मल रिपोर्ट है। ले हैंड प्रे कराने के बाद अल्सर गायब हो गया यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। सुनो, जब मैं आपके लिए देख रहा हूँ बेटे, जब आप मेरे से बात कर रहे हो, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है बड़े टाइम से आप एक जादू टोने के शिकार हो और अभी भी आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। आज से मैं एक आशीर्वाद दे रहा हूँ, आपके काम खुलेंगे अब से। मेरे मेरे हाथों की तरफ देख और आजाद हो जा। आउट, निकल जाओ इसके शरीर से। और इसी समय फ्री करता हूँ इसको। फ्री, आज इसके बंधे हुए काम खुल जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सुनो, अभी गुड न्यूज मिलेगा, जो आप मकान नहीं बना पा रहे वो बनाओगे यीशु मसीह के नाम में। जो आप जो चीज नहीं ले पा रहे थे वो बनाओगे। अब अगले हफ्ते से आपकी ब्लेसिंग खुल रही है परमेश्वर की ओर से। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट गवाही के साथ शाबाश। हाँ, वेस्ट बंगाल गवाही के साथ। हालेलुया, प्रभु जी बहुत बड़ी गवाही है। ए माता के बाद 30 साल से थायराइड था, जैसे ही यहां पर आया एनोइंटिंग ऑयल वाटर का यूज किया, प्रोफेसर को रिसीव किया, 30 साल का थायराइड धुआं बनकर उड़ चुका है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरे को सुन, टाइम नहीं इतना, फटाफट गवाहियां दे दे। ऐसे इस बहन को ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी, फटाफट देता चला जा। बाबा, ये माता को 20 साल से अस्थमा था, अभी ठीक हो गया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अरे माता को 35 ईयर से पेट में ट्यूमर था, जैसे ही पर आया एनोइंटिंग ऑयल का यूज किया, 35 ईयर का ट्यूमर धुआं बनकर उड़ चुका है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हां हां
पापा बहुत बड़ी गवाही है, ये बहन गवाही दे रहे हैं। 10 साल से इनका रसोलिया था, जैसे यहाँ पर एनोंटी गोल्ड का यूज किया, 10 साल का रसोलिया धुआं बनकर उड़ चुका है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पापा बहुत बड़ी गवाही है, ये भाई गवाही दे रहे, 6 साल से ट्यूमर था, ट्यूमर से आजाद हो चुका है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम। देखो आप वेस्ट बंगाल में ऐसे ही नहीं दिखा कैमरे में, देखो हजारों लोग बाहर बैठे हैं, हजारों लोग अंदर बैठे। कैमरामैन वेस्ट बंगाल वाले कैमरामैन, हाँ अभी देखो अंदर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं लोग, आप स्क्रीन पर देख रहे हो, देखो जितने अंदर हैं उतने ही बाहर बैठे हैं। देखो लाइन लगी है, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि परमेश्वर सुनते हैं प्रार्थनाओं को। यहाँ से ऑनलाइन कर रहा हूँ, इस ब्रांच में बैठे हैं और अभी आप सुन रहे गवाही को, वो बता रहे हैं किसी का ट्यूमर गया, किसी की रसोली गई, किसी का कैंसर गया, पथरी गया। मैं फिर कह रहा हूँ कि प्रार्थनाओं को सुनते हैं, वहां से बैठकर लोग विश्वास कर रहे हैं। जो लोग मेरे चर्च में बैठे हैं आज विश्वास करो, आपकी भी ब्लेसिंग खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं तेरे चर्च के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो बाहर है, और इसी समय देखो जो अंदर है वेस्ट बंगाल में। मैंने कहा था कि परमेश्वर ये बहुत बढ़ाएगा, कितने लोगों को कहा था, सुन रहे थे आप भविष्यवाणी, ये किसको कहा था, ये पास्टर इंडिया में दूसरा प्रॉफिट बजिंदर होगा। हालेलुया, आपने देखा कि वहां पर क्या हो रहा है, कि जितने लोग बाहर हैं उतने लोग छत पर भी हैं, और छत पे भी हैं और बाहर भी हैं, देख रहे हैं कैमरा घुमा रहे हैं। और आप देख, सुनो, तीसरे महीने में, थर्ड मंथ, आपके पास करा के 5 किल्ले की जगह होगी और बैठने की जगह नहीं होगी, वो भी भर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर आकर शिफा पाया करेंगे। भरने की बात नहीं, बात है कि बहुत सारे लोग जब तेरे चर्च में आया करेंगे, वो शांति को महसूस करेंगे, वो बड़ी ब्लेसिंग को महसूस करेंगे, उनको नींद अपने घर पर नहीं आया करेगी, चर्च में बैठ कर वो शांति को देखेंगे, और यहाँ बैठ के जाएंगे अपने घर में डिप्रेशन से आजाद हो जाएंगे। याद रखना, ये प्रोफेसी है तेरे लिए पास्टर। इसी समय प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, पूरी ब्रांच अपने हाथों को उठाऊं, और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूँ परमेश्वर, इसी समय मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, जो इस समय मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो कोलकाता ब्रांच में बैठे हैं, इसी समय ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। अपने सिर पर हाथ रखो सब, इसी समय जिसके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल है, माइग्रेन है, इसी समय बाहर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जिसके चश्मा लगा हुआ है, कोई किडनियों में प्रॉब्लम है, किसी के मैं देख रहा हूँ पेट में पानी भर जाता है, और इसी समय वो प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा हीलिंग दे और आश्चर्य कर्म कर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय तू छू और आजाद कर इन लोगों को यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपके चर्च में मैं देख रहा हूँ ऐसे किसी का नाम MNR और S है, वो लोगों के घर में कोई इन्फेक्शन है, कोई बीमार है, अपनी रिपोर्टें, अपने चीजें लेकर बैठे हैं आपसे प्रार्थना करने के लिए, लेकिन आज उनको बोलो इस हफ्ते के अंदर परमेश्वर का फेवर देखेंगे, अपनी रिपोर्टें में नॉर्मल हो जाएंगी रिपोर्टें यीशु मसीह के नाम में, आपको गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। फटाफट गवाहियां दे दे जल्दी जो रह गई। हाँ प्रभु जी बहुत बड़ी गवाही है, ए भाई क्या बताए, 8 साल से डंडा का सहारा से चलता था, जैसे यहाँ पर एरोंटिक ऑयलेट को यूज किया, प्रभु को रिसीव किया, 8 साल के बाद बिना डंडा से चल पा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम। सुनो अंडे के सहारे के डंडे के सहारे, डंडा के सहारे, हाँ तो हिंदी, हाँ डंडे के सहारे चलते थे। अभी डंडा छोड़ो, चल के दिखाओ शाबाश, डंडा छोड़ो, छोड़ो बेटे, चल के दिखाओ शाबाश, चलो चलो। आज मैं कह रहा हूँ इनको, इनको पूरे चर्च को ऑयल लगाकर भेज और परमेश्वर की ब्लेसिंग मिलेगी अभी यीशु मसीह के नाम में। हाँ नेक्स्ट गवाही के साथ फटाफट जलंधर ब्रांच, हाँ जल्दी। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है, ये बहन बता रही है इनके बेटी को काफी समय से ब्रेन कैंसर था, जिसके कारण डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन ये बहन चर्च में आए, इन्होंने ले हैंड प्रार्थना कराई और अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया, बता रहे नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस हो गया। देखो देखो, जो लोग बोलते हैं कि